वाले डीटीएफटी के एक और क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हमें गिवन है ए कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम हैज एन इनपुट एक्स एन एंड आउटपुट वाई एन दैट आर रिलेटेड थ्रू द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। जब हम डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंस इक्वेशन। और यही चीज हम कंटिन्यूस में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे गिवन है yn माइनस 0.2 yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0.8 xn प्लस 0.3 xn माइनस 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, h ऑफ e की पावर j ओमेगा, h ऑफ e की पावर j ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, और h ऑफ e की पावर j पाई निकालना और उसका मॉड। ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले y ऑफ e की पावर j ओमेगा होता क्या है, इसको समझते हैं। क्या होता है वाई ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, अगर हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है, अगर मैंने उसमें इनपुट दिया एक्स एन, तो मुझे आउटपुट मान लो मिलता है वाई एन, तो ये किसके इक्वल होगा जो हमारा आउटपुट है, इसका सपोज इसका जो इंपल्स रेस्पॉन्स है वो मैंने एच ऑफ एन मान लिया, HN को क्या कहते हैं, इंपल्स रेस्पॉन्स। यहाँ पे इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, इंपल्स। देखो कभी कभी वर्ड से पूछ लेगा इसी चीज को कि फाइंड द इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, तो वहां पे कभी कभी एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, सॉरी एच ऑफ एन फाइंड पूछ लेगा, और डायरेक्ट एच ऑफ एन ना कह के। तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन। ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, वाई एन का अगर डी टी एफ टी क्या है, वाई ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। कन्वोल्यूशन में कन्वोल्यूशन किस में टर्न हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो एच ऑफ एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। तो यहां से एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा किसके इक्वल होगा, y of e की पावर j ओमेगा अपॉन x of e की पावर j ओमेगा। तो हमें क्या करना, h of e की पावर j ओमेगा निकालना, यानी y of e की पावर j ओमेगा अपॉन x of e की पावर j ओमेगा का हमें वैल्यू निकालना। तो निकालते हैं, देखो यहां तक बात समझ आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो डिफरेंस इक्वेशन है वो दे रखिए, उसको लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, y of n minus 0.2 y of n minus 1 किसके इक्वल है, 0.8 x of n plus 0.3 x of n minus 1। अब क्या करना, दोनों तरफ DTFT ले लो, टेक DTFT on both sides। तो yn का DTFT होगा y of e की पावर j omega minus 0.2 y of n minus 1 क्या होगा, ये क्या टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो 1 से शिफ्टिंग है, यानी e की पावर अगर माइनस होता है तो माइनस आता है, j omega किससे शिफ्टिंग है, 1 से। फिर yn का कितना था, y of e की पावर j ओमेगा। अब इधर किया xn का तो कितना होगा, x of e की पावर j ओमेगा। ऐसे ही इधर भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, 1 से शिफ्टिंग है, e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू 1 x of e की पावर j ओमेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ e की पावर j ओमेगा कॉमन ले लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा, y ऑफ e की पावर j ओमेगा अगर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां से बचेगा 1, क्या बचेगा यहां से 1, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 into, तो ये कितना बचा 1 माइनस, यहां से कितना बचा 0.2 e की पावर माइनस j ओमेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहां से भी ऐसे ही काम करेंगे, x of e की पावर j ओमेगा कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.8 प्लस 0.8 यहाँ से बचा, और यहाँ से कितना बचा, 0.3 e की पावर माइनस जे ओमेगा, वन की वन को लिखो मत लिखो, तो y ऑफ e की पावर जे ओमेगा मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और ये जो पार्ट है y ऑफ e की पावर जे ओमेगा अपॉन x ऑफ e की पावर जे ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले पार्ट को क्या कर दो, राइट हैंड साइड में भेज दो, ये डिवाइड में चले जाएगा दूसरी तरफ, तो कितना बचेगा, 0.8 प्लस 0.3 e की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन इधर से आ जाएगा 1 माइनस 0.2 e की पावर माइनस जे ओमेगा, यही मेरे किसके इक्वल था, अगर ध्यान से देखो फॉर्मूला किसके इक्वल था, यही वाला फॉर्मूला एच ऑफ e की पावर जे ओमेगा के, तो पहला आंसर आ चुका हमारा, एच ऑफ e की पावर जे ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, जो वाई ऑफ e के वाई ऑफ e की पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ e की पावर जे ओमेगा था। अगला पूछा गया हमसे इसकी वैल्यू किस में निकालनी है, एक बार जीरो पे एक बार पाई पे निकालनी है, तो उसके मोड के साथ, तो पहले केवल जीरो पे निकालते हैं, निकालते हैं सेकंड पार्ट, एच ऑफ e की पावर जे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है मुझे किस पे, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, तो इसमें ओमेगा इक्वल टू जीरो लगा दो ऊपर, 0.8 प्लस 0.3 e की पावर जीरो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 e की पावर जे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो तो होता है 1, तो ये कितना बचेगा, 0.8 प्लस 0.3, तो ये बचेगा 1 माइनस 0.2, यानी ये कितना आ गया, ऊपर बचा 1.1 0.8 प्लस 0.3, और नीचे बचेगा 0.8, तो यहां से हमें एच ओ ई की पावर जे ओमेगा की जब वैल्यू पूछी थी ओमेगा इक्वल टू जीरो पे कितना आ गई, पॉइंट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो कितना बचेगा, 11 अपॉन 8, ये इसका सेकंड वाले का आंसर है। थर्ड पूछी थी हमसे एच ऑफ ई की पावर जे पाई का मोड क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट देखो, एच ऑफ ई की पावर जे पाई यानी ओमेगा की जगह पाई रखना फिर उसका मोड ले लेना, तो यहीं से एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा हमारे पास है ही। अगला क्या पूछा हमसे, एच ऑफ ई की पावर जे पाई इसका क्या लेना है, मुझे मोड लेना, ठीक है, तो लगा दो बस, इसमें कुछ नहीं है, इसी टाइप से करना, इसका मोड लिया 0.8 प्लस 0.3 ई की पावर माइनस जे ओमेगा की जगह रख दिया पाई, ठीक है, अगेन यहां पर रख देंगे पाई दोनों तरफ, तो ये कितना बचेगा हमारा, 1 माइनस 0.2 ई की पावर माइनस जे पाई इसका मोड, अब मैं इसको कर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा, ई की पावर जे पाई की वैल्यू कितनी होती है, यूलर फॉर्मूले से निकाल लो, अगर नहीं ये पता मैं बता देता हूँ क्या होता है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, ई की पावर माइनस जे पाई किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ माइनस पाई प्लस जे साइन माइनस पाई, तो साइन पाई तो जीरो होता है, कोस माइनस पाई होता है माइनस का वन, तो हमारा कितना आ गया आंसर निकालते हैं, जे पाई का मोड किसके इक्वल आ जाएगा, 0.8 प्लस 0.3 इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई, 1 माइनस 0.2 इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई, तो ये कितना बचा ऊपर, 0.8 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 1.0.2, जीरो पॉइंट एट में से 0.3 गया तो कितना बचा, 0.5, और ये कितना जाएगा, 1.2, तो पॉइंट हटा दो, और दोनों नंबर प्लस के तो मोड मोड लेने पे प्लस ही रहेगा, और कितना बचेगा, 5/12, पॉइंट हट जाएगा दोनों का एक एक डेसिमल के बाद, तो एच ऑफ ई की पावर जे पाई की वैल्यू कितना गई, 5/12,
एच ऑफ ई की पावर जे जीरो की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर हम निकाली थी 11/8, और एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा हमने निकाल ही लिया सबसे पहले। यही से अब चीजें हमसे निकालने के लिए पूछी गई थी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और एक बात और बता दूं, मैं भूल गया हूँ, एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा को क्या कहते हैं हम, एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा का नाम भी लिख लो, क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, क्या कहते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, क्योंकि बाय नेम भी पूछा जा सकता है। एच ऑफ ई के पावर जे ओमेगा ने कह के वो क्या कह देगा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। तो इनके पास नाम भी याद होने चाहिए कि इनका मतलब क्या क्या है, ठीक है, इनके लिए लिख लेना ब्रैकेट में बना के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, एक बार बस ये जो टर्मिनोलॉजी थी वही समझनी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।